नमस्ते मैं हूं वर्णिका एंड ये है मम्मी ट्यूबर योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी किड्स एजुकेशन मैं एक प्री प्राइमरी और प्राइमरी टीचर होने के साथ साथ एक सर्टिफाइड फोनिक्स ट्रेनर भी हूं और अगर आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मेरी एक सात साल की जो अभी लास्ट मंथ ही सेवन ईयर्स की हुई है एक सात साल की बेटी है तो आज के वीडियो में मैंने उसके लिए जो ये चीज़ें परचेज़ करी हैं जिसमें कि बुक्स हैं कुछ डी क्राफ्ट्स भी हैं एक गेम भी है ये सारी चीज़ों का ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ ये सारी चीज़ें मैंने तब परचेज़ करी थी जब वो साढ़े छः से सात साल के बीच की थी ये सब मैंने अपने पैसों से ख़रीदा है चलिए देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट इनमें से मेरे लिए हिट रहे एंड कौन से मिस हो गए सबसे पहला है ये टॉइंग की तरफ से एक डी आई टॉय ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये मंकी इस तरह के एक पेंगविंग भी आता है एक दो और कैरेक्टर्स आते हैं एंड जितनी भी चीज़ें होती हैं जैसे ये फेल्ट का भी जो है ऊपर का ये गूगली आइज़ है थ्रेड है नीडल है ये सब बॉक्स में आते हैं इस बॉक्स के ऊपर होता है क्यू आर कोड जिसको स्कैन करने के बाद आपको पूरे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे इसको असेंबल करने के लिए ये मैंने लिया था डिस्काउंट के बाद 249 फोर्टी नाइन अबाउट टू फिफ्टी का रिसेंट में मैंने इसका प्राइस चेक किया तो तीन सौ दिखा रहा है अमेजन पे अब आते हैं इसके प्रोज पे तो इसके पॉजिटिव्स ये हैं कि पूरा आपको किट में सब कुछ मिल जाएगा तो आपको कहीं इधर उधर एक दो चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी अगर आप अपने बच्चे को कि फ़ाइन मोटर स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं थोड़ा कंसंट्रेशन डेवलप करना चाहते हैं तो इस तरीके का सुइंग टॉय अच्छा रहता है दूसरी बात ये काफ़ी सेफ टू यूज़ है कई बार हम चाहते हैं अपने बच्चों को नीडल एंड थ्रेड का काम सिखाएं बट डर लगता है नीडल कहीं चुप गई तो इसके साथ मिलती है एक प्लास्टिक नीडल और ये वोल मतलब थ्रेड नहीं है ये ऊन का पूरा धागा है लंबा अब आते हैं इसके कॉन्स की तरफ बहुत ही ओवर प्राइज्ड है मतलब आप देख रहे हैं कितना छोटा सा है यहाँ से लेके एंड ये मेरे वॉच तक आ रहा है माय इतना ही कवर कर रहा है एंड कितना चपटा है लेकिन ये लग भी नहीं रहा है कि एक स्टफ टॉय है तो उस हिसाब से बहुत ओवर प्राइज्ड है दूसरा जैसे मैंने बोला कि देखिए कितना कम स्टफिंग है इसमें तो इतनी सी स्टफिंग मिली थी अगर आप इतना प्राइस ले भी रहे हो तो एटलीस्ट स्टफिंग वगैरह तो ज़्यादा दे दो ये जो गुगली आइज़ हैं ये सेल्फ एडेसिव लिखा था कि स्टिकर हटाओ चिपकाओ बट ये बार बार निकल रही थी लगाते ही निकल गई तो मुझे ये फेविकॉल से अलग से लगवाना पड़ा अपनी बेटी से नेक्स्ट थिंग इज एंगेजमेंट टाइम बहुत कम है मतलब एक बार ये बन गया बस फिनिश जस्ट थर्टी टू फोर्टी मिनट्स के बाद फिर बच्चा या तो आप इसको फिर से खोल के इसका ये थ्रेड टा के फिर से बच्चे को करने को दो बट एक बार बच्चा बना लेता है तो बार बार वही करने को उसका मूड नहीं होता एटलीस्ट मेरी बेटी का तो नहीं होता है ओवरऑल मैं दूंगी इसको टू रेटिंग आउट ऑफ फाइव नेक्स्ट है दिस बुक लाइफ साइकिल्स बाय सैम नाउ मेरी बेटी एक होम स्कूलिंग चाइल्ड है ठीक है सेवन इयर्स हो गए हैं लाइक उसका फर्स्ट का भी एज में मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा उसको होम स्कूल ही कराया तो हम लोगों का कोई ऐसे एग्जैक्ट सेट करिकुलम नहीं होता है पढ़ने के लिए तो कई चीज़ें मैं उसको इंट्रोड्यूस करती हूँ वो एक्सप्लोर भी करती है एंड उसी प्रोसेस में मुझे ये बुक अच्छी लगी अमेज़न पे, तो मैंने ये बुक उसके लिए ऑर्डर करी पॉजिटिव्स ये हैं इस बुक के कि इसके जो पिक्चर्स एंड एलस्ट्रेशन हैं बहुत ही क्लियर हैं अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग है पेजेस अच्छी क्वालिटी के हैं एंड टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज़ है वो बिल्कुल ठीक है पढ़ने के लिए ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है इस बुक में विजुअल्स एंड टेक्स्ट का बैलेंस बहुत अच्छा है कुछ बुक्स होती है उसमें रिटन मैटर बहुत ज़्यादा होता है पिक्चर्स कम होती हैं तो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता है कुछ बुक होती है उसमें पिक्चर्स बहुत ज़्यादा होती है रिटन मैटर कम होता है तो नॉलेज ज़्यादा नहीं मिलती है इसमें मुझे इन दोनों का बैलेंस अच्छा लगा अब इसके नेगेटिव्स की थोड़ी बात करते हैं शुरुआत के पेजेस में एवोल्यूशन एंड हिस्ट्री बहुत ज़्यादा दी गई है कुछ चीज़ें अजीब ये लगी कि कई थ्योरीज़ को एज़ फैक्ट्स रिप्रेजेंट किया है मतलब जैसे डायनासॉर्स कैसे गायब हुए इसके पीछे कई थ्योरीज हैं कोई कहता है कॉमेट ने हिट किया कोई कहता है अर्थक्वेक आया कोई कहता है सुनामी आई तो इसीलिए डायनासॉर्स चले गए मतलब एक्सटिंक्ट हो गए राइट बट इसमें आ, कुछ एक लिया है और उसी रीजन को दिया है कि इस वजह से डायनासॉर्स गए या इस रीज़न से यूनिवर्स बना तो थ्योरीज बहुत सी हैं जो आज तक साइंटिस्ट भी प्रूव नहीं कर पाए हैं कि एग्जैक्ट रीजन था कुछ चीजों के लिए इसमें उसको एज फैक्ट्स रिप्रेजेंट किया है जो मुझे थोड़ा अजीब लगा यह बुक आप करीब साढ़े छः सात साल से लेकर दस से बारह साल तक के बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं इस बुक की क्वालिटी के लिए इसका जो लाइफ साइकिल वाला जो पोर्शन है उस पोर्शन के लिए आई विल गिव फोर आउट ऑफ फाइव बट कुछ जो चीजें मुझे ठीक नहीं लगी उसके लिए आई विल गिव थ्री आउट ऑफ फाइव ओवरऑल रेटिंग थ्री एंड हाफ आउट ऑफ फाइव थर्ड चीज़ है इस कलेक्शन में ये मधुबनी आर्ट डी किट ये मेरी बेटी को गिफ्ट में मिली थी इसके ऊपर प्राइस दिया गया है थ्री ट्वेंटी रुपीज़ एंड एमेज़न पे भी आपको ऑलमोस्ट इसी प्राइस पे मिल जाएगी सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इनमें से कुछ आपको परचेज करना है तो आप लिंक पे क्लिक करके परचेज़ कर सकते हैं एंड येस ये अफिलिएट लिंक्स हैं तो आप अगर इस लिंक से ऑर्डर करेंगे तो बहुत ही थोड़ा सा वन टू मुझे कमीशन मिलेगा जैसे आप देख सकते हैं ये किट में ये ये चीज़ें आपको मिलेंगी एक मोल्ड है थ्रेड्स हैं आ, पेंटिंग करने के बाद उसको आ, पिरो के कहीं टांग दो बच्चे को डिस्प्ले कर दो उसका किया हुआ आर्ट आई थिंक इस प्राइस पे मटेरियल क्वांटिटी ठीक है बट क्वालिटी बेटर हो सकती थी बट वही है कि आप इस प्राइस पे इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हो कुछ इस तरीके के किट्स एक बहुत अच्छा तरीका होता है जिन बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है उनको बिज़ी रखने के लिए और छुट्टियां भी शुरू ही हो गई हैं उसके अलावा जिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं भी है उनको भी आप इस तरीके की किट्स दे सकते हैं शायद उनको थोड़ा इंटरेस्ट आए इसके जो दो मेजर कॉन्स यानी नेगेटिव्स मुझे लगे पहला ये है कि एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिसिंग है एक पतला सा पेपर लीफलेट दे दिया गया होता तो पेरेंट्स के लिए भी आसान होता है एंड अगर पेरेंट्स के सुपरविजन में बच्चे नहीं भी कर रहे हैं तो खुद भी वो आसानी से कर सकते थे सेकेंड इस पी की क्वालिटी अच्छी नहीं है मतलब मिक्स करते करते ही वो सूखने लगा था तो क्वालिटी थोड़ी बेटर हो सकती थी इसको प्राइस के हिसाब से एंगेजमेंट के हिसाब से एंड क्वांटिटी के हिसाब से मैं दूंगी करीब फोर आउट ऑफ फाइव क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है मैं बार बार बोल रही हूँ तो इससे बेटर किड्स भी हैं इससे महंगी और इससे अच्छी क्वालिटी की किड्स भी हैं ऑनलाइन या आप ऑफलाइन भी देख सकते हैं नेक्स्ट इज दिस गेस हु गेम बाय हैजब्रो गेमिंग हैजब्रो एक रिनाउंड ब्रांड है काफी पुराना ब्रांड है स्पेशली बोर्ड गेम्स तो इनके काफी सारे आते हैं इस गेम के काफी सारे वेरिएंट्स आते हैं लाइक एवेंजर्स थीम बैटलशिप थीम तो आप अपने बच्चे की लाइकिंग के हिसाब से कोई भी थीम चेकआउट कर सकते हैं ले सकते हैं नाउ इस पे प्रिंटेड है प्राइस फोर फोर्टी मिला मुझे था आफ्टर डिस्काउंट थ्री ट्वेंटी का इट्स अ टू प्लेयर गेम मिस्ट्री गेम है यानी कि कुछ कैरेक्टर्स हैं इसमें एंड आपको अपने ओपोनेंट के कैरेक्टर को गैस करना है ये दो साइज़ में आता है ये है मिनी वर्जन और एक फुल वर्जन भी आता है मैंने मिनी वर्जन इसलिए मंगाया क्योंकि कंपनी क्लेम करती है कि ये ट्रैवल फ्रेंडली है तो मैं अपनी बच्ची के साथ काफ़ी ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ तो मुझे थोड़े बहुत ऐसे गेम्स लगते हैं ट्रेन में टाइम स्पेंड करने के लिए तो मैंने छोटा वाला मंगाया पॉजिटिव्स की बात करें तो फैमिली गेम है एंटरटेनिंग गेम है बच्चा फोकस करता है गेस करना है तो फिर वो लॉजिक भी लगाता है नेगेटिव्स की बात करें तो अच्छा इस प्रोडक्ट के नेगेटिव्स बताने से पहले मैं एक बात बोल दूं कि जितने भी प्रोडक्ट्स मैं दिखा रही हूं उनके पॉजिटिव्स पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बता रही हूं तो वो मेरे लिए हैं हो सकता है आपके लिए वो चीज़ पॉजिटिव या नेगेटिव ना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा कि मैम आप कुछ भी बोल रहे हो इट्स सब्जेक्टिव आपको नहीं लगता है नेगेटिव इट्स ओके लेकिन मुझे लगता है इसीलिए मैं बोल रही हूं तो ये प्रोडक्ट मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा रीजन नंबर वन मिनी के नाम पे उन्होंने इतना छोटा दे दिया है जैसे आप वीडियो में देख सकते हो कि कितने छोटे कार्ड्स हैं लाइक थम के साइज़ के कार्ड्स हैं ये तो आ, बच्चा अगर ज़रा भी ठीक से हैंडल नहीं किया तो ये तुरंत फट जाएंगे गेम बेकार हो जाएगा सेकंड नेगेटिव मोनोटोनस हो जाता है एक पॉइंट के बाद मतलब एक बार जब बच्चा कैरेक्टर्स को अच्छी तरह जान जाता है दो तीन बार गेम खेल के अच्छी तरह जान जाता है तो उसके लिए कुछ नया नहीं रह जाता है तो वो मोनोटोनस हो जाता है मेरी बेटी ने शायद दो या तीन बार खेल तब से ही ऐसे ही पड़ा है मैं किसी को तो दे ही दूंगी इसको थर्ड नेगेटिव थर्डेटिवर प्राइज है 450 रुपीस के लिए मिन, चलो मिनी वर्जन ठीक है लेकिन मिनी वर्जन में भी आप कार्ड्स की क्वालिटी तो अच्छी दे सकते हो प्लास्टिक पैकेजिंग अच्छी दे सकते हो आप बॉक्स देखिए बॉक्स देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई लोकल मैन्युफैक्चर हो बट बटब्रो इज अ बिग ब्रांड राइट एंड दे डिसअपॉइंटेड इन क्वालिटी इसको मैं दूंगी क्या गिरा कुछ तो गिरा इसको मैं दूंगी थ्री पॉइंट फाइव स्टार आउट ऑफ फाइव अब है ये मंथली सब्सक्रिप्शन किट बाय एक्सप्लोरा बॉक्स ये है एज ग्रुप सिक्स टू ट्वेल्व इयर्स के लिए जब मेरी बेटी तीन से पाँच साल की एज की थी तब भी मैंने उसके लिए मंथली सब्सक्रिप्शन किट लिया था एक बार मैजिक क्रेट लिया था सिक्स मंथ्स के लिए एक बार फ्लिंटो uh, बॉक्स लिया था तीन uh, मंथ्स के लिए उसके रिव्यूज़ मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखे हैं आप लिंक पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर आई बटन में भी मैं डाल दूँगी नाउ ये किट मुझे टोटल पड़ा था सेवन एंड हाफ थाउजेंड रुपीज़ का इसमें कई एक्टिविटीज़ हैं एंड जैसे कि एज ग्रुप सिक्स टू ट्वेल्व ईयर्स दिया गया है तो कुछ एक्टिविटीज़ आपका बच्चा छः साढ़े छः सात साल की उम्र में करेगा एंड कुछ एक्टिविटीज़ उसके बाद करेगा इसीलिए मैंने पूरी एक्टिविटीज़ अभी तक नहीं निकाली हैं उसके साथ आ, करीब पाँच छः एक्टिविटीज़ ही निकाली हैं एंड बाकी मुझे जैसे लगेगा कि हाँ अब मेरी बेटी एक्टिविटी करने के लिए ठीक है तो मैं उसको दूंगी इस किट को मैं दूंगी फोर स्टार्स आउट ऑफ फाइव लास्ट इज़ दिस क्रिएटिव कलरिंग मंडला फॉर किड्स। इट्स बाय वंडर हाउस नाउ ये मैंने अपनी बेटी के लिए मंगाई थी कि शायद वो थोड़ा बैठ के कलरिंग कर ले और उसने एक पेज भी कलर नहीं किया मैंने एक पेज कलर किया मैंने सोचा वो नहीं कर रही है तो मैं ही कर लेती हूँ ये थोड़ा आधा किया है थोड़ा पूरा करना है मुझे सो इट वॉज़ फॉर नाइन्टी नाइन रुपीज़ अगर आपका बच्चा इंटरेस्टेड है तो आप ज़रूर मंगाइए बिकॉज़ 99 नाइन रुपीज़ में काफ़ी सारे पेजेस हैं एंड पेजेस की क्वालिटी अच्छी है लाइक like दिस मैंने वो ब्रश पेन सेट आता है जो उससे किया है एंड जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे बिल्कुल नहीं आया है तो दिस विल गेट अ 4.5 पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव फ्रॉम माई साइड अगर आप इस तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं और तो एक येस ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में क्योंकि मैं बहुत कम बनाती हूँ इस तरीके के वीडियोस तो मुझे पता नहीं चलता है कि आपको देखने हैं कि नहीं देखने हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीक ऑन थर्सडे एट सिक्स पी नमस्ते जैसे मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन में बोला है मैं एक प्री स्कूल टीचर के साथ एक सर्टिफाइड फोनिक्स ट्रेनर भी हूँ तो अगर आपको फोनिक्स सीखना है तो आप मेरा ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं जो कि है थर्टींथ ऑफ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री से डिटेल्स के लिए मम्मी ट्यूबर इंडिया एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर ई मेल ड्रॉप करिए अगर आप प्री स्कूल टीचर हैं होम स्कूलिंग पेरेंट हैं या फिर आपको अपने खुद के ट्यूशन्स खोलने हैं तो आप ये वर्कशॉप जरूर अटेंड करिए आपको इसके लिए सर्टिफिकेट भी मिलेगा थैंक यू